सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया है सी नारायण लेकर आज के यानी 31 जुलाई के दिन विशेष। जी हाँ बहनों भाइयों, महीना ख़त्म हो गया तो आज 31 तारीख और 31 तारीख के दिन विशेष 31 जुलाई के, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल जिसका जवाब भी शामिल है बहन भाइयों। तो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हो तो, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी हाँ बहनों भाइयों, तो आज सबसे पहले सुविचार, आज का सुविचार यह है कि इस चिंता को आप छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी हाँ बहन भाइयों, फिर एक बार, ये बहुत ही बढ़िया सुविचार है। इस चिंता को आप छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये है आज का सुविचार। अब आज का सवाल, सवाल बहुत ही रोचक और मनोरंजक है बहन भाइयों। सवाल यह है कि ऐसा कौन सा पेड़ है भाई जिस पर एक नहीं, दो नहीं, 40 तरह के फल लगते हैं। जी हाँ बहन भाइयों, ढूंढ के निकाला है एक ऐसा पेड़। तो बताइए ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर 40 तरह के फल एक ही पेड़ पर लगते हैं। तो दिमाग की बत्ती जलाइएगा और ढूंढिएगा आज के सवाल का जवाब, और अगर ना मिले तो वीडियो अंत तक देखिएगा, इसका जवाब मैं अंत में दे दूंगा। तो चलिए बहन भाइयों, आज विश्व रेंजर दिवस है। 2011 से इस दिन की शुरुआत हुई है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं 31 जुलाई के दिन विशेष, जिसमें सबसे पहले ये रहे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1657 में मुगलों ने बीजापुर का कल्याणी किला जीता। 1658 में औरंगजेब मुगल सम्राट बने। 1856 में न्यूजीलैंड की राजधानी क्राइस्ट चर्च की स्थापना हुई। 1937 में के नारायण काले दिग्दर्शित वहाँ, इस नाम का चित्रपट है, फिल्म है, मूवी है, तो वहाँ ये प्रभात की फिल्म थी जो मुंबई के मिनर्वा टॉकीज में प्रदर्शित हुई। 1954 में इटालियन पर्वतारोहियों ने K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये शिखर का नाम है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, इस दुनिया का दूसरे नंबर का सर्वोच्च शिखर है जिस पर इन्होंने कदम रखे इटालियन पर्वतारोही ने। सन 1956 में टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी यानी 10 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड इंग्लिश खिलाड़ी जिम लेकर इन्होंने पहले बार किया और ये पहले गेंदबाज बने। 1964 में रेंजर 7 अंतराल यान, जिसने चांद के पहले स्पष्ट छायाचित्र निकाले। 1992 में जॉर्जिया का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश हुआ। 1992 में ही सतार वादक पंडित रविशंकर इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। 2000 में वैज्ञानिक और औद्योगिक संशोधन परिषद के महासंचालक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर और प्रगत तंत्रज्ञान केंद्र के डॉक्टर DD भवालकर, इन्हें HK फिरोदिया पुरस्कार प्रदान किया गया। 2001 में दिग्दर्शक डॉक्टर जब्बार पटेल, इनको राजर्षि शाहू महाराज समता पुरस्कार प्रदान किया गया। 2006 में फिडेल कैस्ट्रो, इन्होंने अपने ही भाई को यानी राहुल को सत्ता सौंप दी। 2012 में माइकल फेलप्स
इन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किया। 1933 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1948 में कलकत्ता शहर में प्रथम राज्य सेवा परिवहन की स्थापना की गई। 1982 में सोवियत संघ ने आणविक परीक्षण किए। 1865 में ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड यहाँ ग्रैडचेस्टर इस शहर में विश्व की पहली छोटी रेल लाइन शुरू हुई। 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब इन्होंने रेडियो प्रसारण संचालित करने का बीड़ा उठाया। 1950 में भारत और नेपाल इनके बीच शांतता और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1993 में भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कलकत्ता में उद्घाटन हुआ। 1998 में 10वां सार्क शिखर सम्मेलन कोलंबो में संपन्न हुआ। 2000 में लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक ध्वनिमत से पारित किया। 2007 में अमरीकी रहे डॉक्टर सुधीर पारेख इनको पॉल हैरिस पुरस्कार प्रदान किया गया। 2010 में दो घटनाएं घड़ी जिसमें बिलियर्ड प्रशिक्षक सुभाष अग्रवाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार घोषित किया गया और 2010 में ब्राजीलिया में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व धरोहर समिति ने जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन जो है 31 जुलाई के स्विस गणिती गैब्रियल क्रैमर, इनका जन्म 1704 में हुआ था। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक वोहलर 1800-1800। संत साहित्य के अभ्यासक और चरित्रकार लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर 1872। हिंदी साहित्यिक मुंशी प्रेमचंद 1880। अमेरिकन एनिमेशन फिल्म निर्माता फ्रेड क्विंबे 1886। व्यंग चित्रकार लेखक केशवा तथा के शंकर पिल्ली 1902। प्राच्य विद्या पंडित और गणितज्ञ तथा इतिहासकार विचारवंत दामोदर धर्मानंद कोसंबी 1907। नोबेल पारितोषिक विजेता अमरीकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमन 1912। संस्कृत पंडित डॉक्टर श्रीधर भास्कर तथा दादा साहेब वर्णेकर 1918। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हेमू अधिकारी 1919। गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी 1941। हिंदी अभिनेत्री मुमताज 1947। अभिनेता और दिग्दर्शक मणिवन्ना 1993। हैरी पॉटर के लेखिका जेके रोलिंग 1965। आहार तज्ञ यानी न्यूट्रिशन श्रेया आढ़ाव 1992। सिंगर अभय जोधपुरकर 1991। राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखारिया 1916। अमरीकी लेखक बिल केसिंग 1922 और पॉलिटिशियन स्नेहल अंबेकर 1972। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो है 31 जुलाई के, पुर्तगाल का राजा जॉन पांचवा 1750। आधुनिक मुंबई के शिल्पकार जगन्नाथ तथा नाना शंकर शेठ 1865। अमेरिका के 17वें राष्ट्राध्यक्ष एंड्रयू जॉनसन 1875। भारतीय कार्यकर्ता और क्रांतिकारक उधम सिंह 1940। चित्रकार
और संस्कृत पंडित पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 1968, पार्श्व गायक और महान संगीतकार मोहम्मद रफ़ी 1980, लेखक पत्रकार नबारुन भट्टाचार्य 2014, रोमन कैथोलिक चर्च के गुरु माधर्म गुरु जोसेफ अल्बर्ट रोजारियो 2011, भारतीय सैनिक धीरान चिन्नमलाई 1805, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तथा राजकीय सुधारक और पक्षी शास्त्री वनस्पति शास्त्री एलन ह्यूम 1912 में इनकी मृत्यु हुई। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक आशुतोष दास 1941 और वियतनाम के राजा बाउडाई 1997। तो ये हुए भाई आज के स्मृति दिन। अब आज के देखते हैं सवाल जिसका जवाब देना बाकी है। वैसे तो दिन विशेष खत्म हो गया और अब सवाल का जवाब बाकी है। तो सवाल क्या था भाई? सवाल था, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर 40 तरह के फल लगते हैं? जी हाँ बहनों भाइयों, तो कान खोल के सुन लीजिए, एक ही पेड़ आपको बहुत हो गया 40 फल वाला। तो इसके इस पेड़ का नाम है ट्री ऑफ 40। जी हाँ, 40 का झाड़, 40 का पेड़, ट्री ऑफ 40। न्यूयॉर्क के सेराक्यूज यूनिवर्सिटी का नाम है सेराक्यूज। इस यूनिवर्सिटी के विजुअल आर्ट के प्रोफेसर जिनका नाम है सैम वॉन एकेन, इन्होंने ये अनोखा कारनामा कर दिखाया है भाई। और इन्होंने ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए इस पेड़ पर 40 तरह के फल लगाने का प्रयास किया है और ये कारनामा कर दिखाया है भाई। इस पेड़ पर चेरी, बेर, सतालू या खुदानी, बादाम जैसे 40 प्रकार के फल लगते हैं। और इस पेड़ की एक पेड़ की कीमत तकरीबन 19 लाख बताई जाती है। तो बहनों भाइयों, अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कीजिएगा। अब मैं लेता हूँ विदा भाई, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आज की ये जानकारी और आज का ये दिन विशेष, आज का वीडियो आपको कैसे लगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ ही अब आज का ये दिन विशेष संपन्न होता है और मिलते हैं नए महीने में, 8वें महीने में, अगस्त महीने में। तो तब तक के लिए अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए बहन भाइयों, सी नारायण को दीजिएगा अज्ञान। नमस्कार बहन भाइयों, अलविदा।